हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर क्विज, और आज की हमारा जो वीडियो है ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 है। उसके अंदर हम इस पॉलिटी के अगले हिस्से को करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज के होंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे प्रेसिडेंट के, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि ये वन डे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है, और जो भी एग्जाम जैसे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई सा भी इस टाइप का वन डे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर, किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इसको हमने ऐड किया था अपने संविधान के अंदर। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर डीपीएसपी को ऐड किया है। डीपीएसपी की जब हम बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी का जो पार्ट है, दैट इज पार्ट इज फोर्थ ए, ठीक है, फोर्थ ए इज द पार्ट। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 आर्टिकल्स जो हैं वो आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। अजम्पशन रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैव बीन मेड अंडर, जो अजम्पशंस है वेलफेयर स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो किसके कौन से आर्टिकल के तहत बने हैं, सॉरी किसके अंदर आते हैं, बेसिकली नॉट आर्टिकल, किसके तहत आते हैं, ये आते हैं डीपीएसपी के तहत, ठीक है, डीपीएसपी के तहत आते हैं। विच प्रिंसिपल प्रोवाइड्स दैट डीपीएसपी आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट बट कंटेम्प्रेरी टू ईच देम, मतलब देखिए कौन सा वो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो ये कहता है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का दुश्मन नहीं है या कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे का पूरक है ना। तो ये कहता है जो प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा हार्मनी, है ना, सद्भाव, भाईचारा, है ना, तो वही है हार्मोनस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने वाला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर, दैट इज 39A, और ये चीज ऐड हुई थी सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का, उसके तहत ये चीज ऐड करी गई थी 39A, टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का जो एक प्रोविजन है उसके बारे में यहाँ बात करी गई है। वट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिशियबल नेचर ऑफ डीपीएसपी, देखिए नॉन जस्टिशियबल, देखिए हमने जैसे बात करी थी अपने पिछले वीडियो के अंदर कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, जस्टिशियबल इन नेचर है, बट डीपीएसपी एंड आपका जो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये दोनों क्या है, नॉन जस्टिशियबल है। नॉन जस्टिशियबल का मतलब ये होता है कि इन आर्टिकल्स के तहत जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, और अगर जो कोई व्यक्ति उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बॉडी हो गई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई या गवर्नमेंट हो गई, है ना, तो कोई अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको लेकर आप कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में, है ना। मतलब देखिए हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि भाई दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया तो क्या कहते हैं, सी यू इन कोर्ट, अदालत में देख लेंगे तुम्हें, है ना, तो कोर्ट में देख लेंगे, तो भाई क्या है? कोर्ट में देख लेंगे, बट इन चीज़ों को लेकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी कोर्ट में नहीं जा सकती, ठीक है। तो नॉन जस्टिशियबल ये चीज़ होती है कि आप अदालत नहीं जा सकते न्याय पाने के लिए, या अगर जो कोई पालन नहीं कर रहा है उस चीज़ का तो उसके विरुद्ध। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मास ऑफ प्रोडक्शन आर प्रपोज्ड अंडर विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सो दिस हैज बीन अंडर द आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीपीएसपी प्रपोज फॉर पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट। तो इसके लिए जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल है यहाँ पर 41। डीपीएसपी प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ काउस, काउस को मारना, मतलब जैसे गौ हत्या, तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन सा वो आर्टिकल्स है जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 48, ठीक है, विच इज द लेटेस्ट इंसर्जन इन टू द डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है उसके अंदर जो अभी हाल ही में जो एक नया आर्टिकल या नया अमेंडमेंट हुआ है वो कौन सा है, यहाँ भी पर ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है आपका दैट इज 43 का बी,
ठीक है, 43B ऐड हुआ है, ये है आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट था ये, 2011 के अंदर आया था। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ये बात करता है। मतलब यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि जब बड़े शहरों में अंदर कि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, अर्बन सोसाइटीज, तरीके जो ग्रुपिंग ऑफ सोसाइटीज बन जाती हैं, RWA बेसिकली जिसे कहा जाता है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी या इंसर्शन हुआ था DPSP के अंदर, जो कि 2011 में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इम्प्लीमेंट विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 73rd अमेंडमेंट 1992 का ऐड करता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, तो ये इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 जो है वो इसके बारे में बात करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर द लाइंस विद विच DPSP पैरा 4 इज डिस्क्राइबिंग। देखिए इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल दैट इज 48A, 48 का ए सेक्शन जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम किस संविधान से या किस देश के संविधान से हमने लिया है ये बात करें तो ये चीज ली है हमने कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द USSR। ठीक है, और कहा जाए इसे रशिया, USSR और रशिया से हमने ये चीज बोरो करी है। USSR की हम बात करते हैं तो ये होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो यहां से हमने इसे बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है। तो पार्ट की जब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने बात करी DPSP की तो वो था पार्ट 4, तो यहाँ पर आता है पार्ट 4 का ए हिस्सा, पार्ट 4A। ठीक है, ये आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी तो वहाँ पर ऐड थी 8 थी, इनिशियली 8 थी, और इसे स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन के दौरान इसे ऐड किया गया था। बाद में एक अमेंडमेंट होता है दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब होता है, 1976 के अंदर, और इसके दौरान जब ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी उन्हें कर दिया गया था 10। ठीक है, और अभी हमारे पास करंट में कितनी है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे संविधान में कब ऐड करी गई ये पूछा है अगले सवाल में, तो ये ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट के दौरान और ये आया था 2002 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो पार्ट में, एक होती है मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, ठीक है, और दूसरी होती है सिटीजन ड्यूटी, नागरिक की ड्यूटी। ठीक है, अब जैसे मोरल ड्यूटी की ये बात होगी कि जैसे आप किसी मॉन्यूमेंट पे गए, हिस्टोरिकल प्लेस पे गए घूमने के लिए गए, तो वहाँ की दीवारों को, उनके परिसर को आप गंदा ना करें, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है, या आप जहाँ रह रहे हैं आपकी सोसाइटी है, गली मोहल्ला शहर, तो वहाँ पर आप गंदगी ना फैलाएं, है ना, तो ये क्या होगी मोरल ड्यूटी। सिटीजन ड्यूटी का क्या हो जाता है, मतलब ये हो गया कि जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है या नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम जब बज रहा होगा तो आपको खड़ा होना है उसके सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तो एक तरीके की ये चीज़ें क्या हो जाती है सिटीजन ड्यूटीज। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में ये मोस्टली डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टू द इंडियन नेशनल फ्रीडम अप टू हाई स्पिरिट हैज बीन कैटेगराइज्ड अंडर, सो दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर हाई स्पिरिट, आपको मोरल ड्यूटी के अंदर देखने को मिलती है मोरल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो मुख्य रूप से किस पर लगाए जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये आपके नागरिकों पे लगाई जाती है। ठीक है, नागरिकों पे, अबॉलिशन ऑफ डेरोगेटरी प्रैक्टिस फॉर द शेक ऑफ वुमेन रिस्पेक्ट हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 51 का 5 पार्ट, 51(5). Which fundamental duty is enshrined that spirit of removing superstition? ठीक है, तो इसके लिए जो fundamental duty है वो कौन सी वाली है, इसकी जब हम बात करते हैं
ये होती है ड्यूटी लिस्ट में अगर जो हम बात करें तो छठी ड्यूटी जो है फंडामेंटल, सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी, सिक्स नंबर की, ठीक है, नहीं सिक्स है, जस्ट अ मिनट, सिक्स नहीं है यहाँ पर, सॉरी सिक्स नहीं एट्थ है, सिक्स नहीं एट्थ, आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी है जो इसके बारे में बात करती है, ठीक है, दैट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है, तो ये बात करती है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर आठ, ठीक है, ग्यारह है तो आपको जो इतनी आठ ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इस ड्यूटी टू वोट इनकॉर्पोरेट एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए जो वोट इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान जब आप वोटिंग करते हैं तो फंडा वो हमारी एक नैतिक अधिकार है, मतलब जिम्मेदारी है कि हमें वोट करना चाहिए, बट वो उसके लिए आप किसी को कोर्ट नहीं ले जा सकते, है ना, तो जिम्मेदारी है, बट यहाँ पर अगर जो फंड वोट करना जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है, नहीं ये अभी हिस्सा नहीं है, हो सकता है भविष्य में इसको ऐड कर दिया जाए। व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर कैसा है, बेसिकली हम बात करें इसे नॉन जस्टिशियबल है, जैसा कि हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, नॉन जस्टिशियबल है या फिर आप कह लीजिए नॉन इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल मतलब किसी पर थोपा नहीं जा सकता जबरदस्ती, लॉ के थ्रू इसको आप लगा नहीं सकते किसी व्यक्ति पर, ठीक है, व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ओके, या Which are the direct, sorry, indirect provision related to the legal sanctification fundamental duties? कौन से वो indirect provision हैं? तो वो indirect provision की जब हम बात करते हैं तो RPA Act होता है, sorry, that is RPA, RPA Act जो कि था 1951 का। अब देखिए RPA Act क्या है? Representation of People's Act कहलाता है, और एक होता है Protection of Civil Rights Act जो कि 1995 का था, 1955 का था, not 95, that is 1955 में आपका आता है Protection of Civil Rights and Prevention of Insult of National Honor Act जो आता है, ये आता है 1971 के अंदर। तो ये तीनों जो एक्ट थे basically, these are the indirect provision of the related with the legal sanctification of fundamental duties, ठीक है, आपको ये तीन ध्यान रखने हैं, 51, 55 और 71, ये है आपका Representative of People's Act, 55 में था आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट एंड 71 में था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। फिर हम बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि है आपके प्रेसिडेंट से, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन इन, देखिए ये होता है इनडायरेक्ट मैनर में होते हैं ये सारे इलेक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट मैनर के साथ साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, इसके लिए जो आर्टिकल है मतलब इलेक्शन प्रोसीजर इन सब चीजों के बारे में जो बात करता है वो है आर्टिकल नंबर 55। हु टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स, देखिए लोकसभा के मेंबर्स की जब हम बात करते हैं सिंपली, ठीक है आगे डिविजन हम आगे देखेंगे बट यहाँ पर सिंपली समझ लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स आपके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कौन से आपके जो MLAs वगैरह हैं मतलब स्टेट्स के, स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, तो वो लोग ये सारे लोग जो है वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोज्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट मस्ट बी पॉसेस्ड थ्रू मिनिमम ऑफ, देखिए जब इलेक्शन के लिए प्रपोजल जाएगा तो कैंडिडेट के पास कितने इलेक्टोरेट मतलब कितने ऐसे व्यक्ति लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए मेंबर्स का जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति हमारा मेरी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो होगी 50 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर जो कई बार ये हो जाए कि भाई जो अपोजिशन कैंडिडेट है वो कह दे कि भैया जो धांधली हुई है गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, तो उस चीज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है डिस्प्यूट विद रिलेटेड विद इलेक्शन, तो इस चीज को कौन हल करता है, इसको हल करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्शन करवा रहा है कौन, इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इलेक्शन सॉरी ईसी,
इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है, मगर डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हल करेगा। हाउ कैन अ प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस प्रायर टू द कम्प्लीशन ऑफ 10 ईयर। देखिए राष्ट्रपति लगभग वो 5 साल के लिए चुना जाते हैं, 5 ईयर के लिए, बट उसे अगर जो हटाना है उसके पद से, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए होती है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट करी जाती है अंडर द आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, इम्पीच कर लिया जाता है प्रेसिडेंट को। हु हैज बीन वेस्टेड विद द पावर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, ये है पार्लियामेंट के पास। बेसिकली पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है थ्रू द इम्पीचमेंट इन द आर्टिकल 61। ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा इन द राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है उसे प्रिसाइड किया जाता है बाय द स्पीकर। स्पीकर कहाँ के, ये स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लोअर हाउस या फिर आप लोकसभा के प्रेसिडेंट स्पीकर होते हैं वो करते हैं, और किसके कहने पर करते हैं, ये कहने पर करते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, राष्ट्रपति के कहने पर वो यहाँ पर ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज पॉकेट वीटो इन विच बिल। देखिए पॉकेट वीटो भी होता है, वीटो भी कई सारे टाइप का होता है, तो पॉकेट वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति ने कब और किस बिल के अंदर इस्तेमाल किया था, तो इसे इस्तेमाल किया था उन्होंने इंडियन पोस्टल बिल जो था, ये था 1986 का इंडियन पोस्टल बिल था, उसके तहत जो है इन्होंने वीटो पावर का अपना इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हु इज द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और इन्हें और एक टर्म से डिनोट किया जाता है, दैट इज डी ज्यूरी, दैट इज डी ज्यूरी, ठीक है, डी ज्यूरी कहा जाता है। और जो पीएम होते हैं ये आपके गवर्नमेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है इन्हें। बेसिकली रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो पीएम ही होते हैं, ठीक है, बट हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, और इन्हें कहा जाता है डी फैक्टो, ठीक है, डी ज्यूरी एंड डी फैक्टो। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, तो इसके देखिए इलेक्टोरल कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो वही हम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया एक तरीके से। यहाँ पर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो होंगे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, मतलब 543 सीट्स हैं आज की डेट में, तो इसमें से जो नॉमिनेटेड तो हटा ही दिए गए, मतलब यहाँ पर तो सारे इलेक्टेड ही हो रहे हैं। पहले कितने थे, देखिए 2019 में ये थी संख्या थी 545 की, दो कम हो गए, कौन से कम हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो दो कम हो गए तो ये तो इलेक्टेड हो गए, प्लस यहाँ पर राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के भी जो मेंबर्स होंगे वो भी इलेक्टेड वाले होंगे, इलेक्टेड मतलब यहाँ पर जो इलेक्टेड है 250 की संख्या है, 245 है, तो यहाँ पर जो 238 लोग हैं, मतलब जो भी है इलेक्टेड, जैसे 245 की हमने बात करी, तो 245 में से 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जो बचे हुए कितने हैं 233 बचते हैं आई थिंक, है ना, 233 ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो हैं इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए बहुत सारे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बट हम काउंसिल वालों को नहीं कंसिडर करते, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कहाँ की, स्टेट्स की, और प्लस साथ में जो यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, और जम्मू कश्मीर भी हमने अब ऐड कर लिया क्योंकि वो भी आपका यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है, तो ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ये जो तरीका है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये जो कॉन्सेप्ट है या मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमने बोरो किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्टोरल एज एंड अ प्रपोजल। देखिए कितने इलेक्टोरल और कितने प्रपोजल यहाँ पर आपको चाहिए, तो वो होते हैं 50-50 का यहाँ रेशियो रहता है, 50 इलेक्टोरल इलेक्टर्स और 50 प्रपोजल्स, ठीक है, तो मतलब 50-50 वाला यहाँ पर 50 ये चाहिए 50 ये चाहिए। हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट हैव बीन दैट इज यहाँ पर थोड़ा सा इम्पीच्ड नहीं होगा, दैट इज इम्पीच्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इम्पीच्ड।
इम्पीचमेंट किसके तहत कर रहे थे हम, 61 आर्टिकल के तहत, कि आज तक कितने राष्ट्रपति हैं भारत में जिनको इम्पीचमेंट करके हटाया गया है उनके पद से, तो अभी तक हम बात करें तो यहाँ पर जीरो है, मतलब नन है ना, कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा है भारत का जिसे इम्पीच करके उसके पद से उसे हटाया गया हो। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपके इस सेक्शन के हैं पार्ट 5 के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।